गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम असीम कुमार मंडल एज ए मैथमेटिक्स टीचर रिप्रेजेंटिंग शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा। स्टूडेंट, टुडे आई एम टेकिंग एक्सरसाइज नंबर 3.2 ऑफ चैप्टर नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। व्हाट इज द मीन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स? क्वाड्रिलेटरल्स दैट मीन्स अ टाइप ऑफ द पॉलीगोन। व्हाट इज द मीन ऑफ द पॉलीगोन? दैट मीन्स अ कर्व। कर्व दैट मीन्स अ क्लोज्ड कर्व एंड ओपन कर्व। ओपन जिसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट अलग अलग होते हैं आर नोन एज द ओपन कर्व। अगर जो दोनों ज्वाइंट हो जाए दैट मीन्स अ क्लोज्ड कर्व। अब क्लोज्ड कर्व में दो तरह के कर्व होते हैं, एक बेस्ड ऑन द साइड्स एंड सेकेंड वन इज नॉट बेस्ड ऑन द साइड। जिसमें साइड होती है, साइड दैट मीन्स अ थ्री साइड्स, मान लीजिए पर्टिकुलर दो साइड होगी तो वह कर्व तो बनेगा ही नहीं, एटलीस्ट वी रिक्वायर्ड द थ्री साइड्स। फिर उसके बाद आप बोलेंगे फोर साइड, फाइव साइड, सिक्स साइड, सेवन साइड, एट साइड, नाइन साइड, टेन एंड सो ऑन। तो इनके पर्टिकुलर नाम होते हैं अ शेप विच कंसिस्ट ऑफ थ्री साइड आर नोन एज द ट्राइंगल, फोर साइड आर नोन एज द क्वाड्रिलेटर, फाइव साइड आर नोन एज द पेंटागोनल, सिक्स दैट मीन्स अ हेक्सा। मैं बार बार बताता हूँ ताकि आपके माइंड में मेरी आवाज़ जाए और आप रटा जाए, ठीक है? समझ रहे हो? समझ समझ के उस चीज़ को याद हो जाता है। सम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। फिगर नंबर फर्स्ट, फिगर नंबर सेकेंड। स्टूडेंट, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फिगर एंड कर्व? ठीक है, कभी आपके मुंह से सर फिगर निकलता, कभी आपके मुंह से कर्व निकलता। पॉलीगोन जो है वो सारे फिगर और कर्व दोनों है। फिगर दैट मीन्स अ नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेट वर्ड, बट कर्व दैट मीन्स अ मैथमेटिकल वर्जन ऑफ फिगर। बात समझ गए? ठीक है, जैसे आपके भी पर्टिकुलर दो नाम होते होंगे, ठीक है, एक अनऑफिशियल और एक ऑफिशियल, घर पे आपको जो भी बोलते हैं ठीक है, बट अगर जो आपका स्कूल का नाम है तो वो रजिस्टर्ड हो चुका है, हर जगह वो आएगा, आधार कार्ड में, वोटर आईडी में, हर जगह पर, फ्यूचर में, सारी मार्कशीट पर। वैसे ही फिगर दैट मीन्स अ ओनली, ये एक इंग्लिश अल्फाबेट का वर्ड हो गया, बट कर्व दैट मीन्स अ टेक्निकल मैथमेटिकल वर्ड फॉर द फिगर। याद रहेगा, बेसिक कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, साइंस में अगर जो आप कोई डायग्राम बना रहे हो तो आप उसको फिगर बोल सकते हो बट कर्व नहीं बोल सकते हो। इसलिए मैंने बोला कर्व दैट मीन्स अ मैथमेटिकल वर्ड फॉर द फिगर। याद रहेगा स्टूडेंट। नाउ वी टेक द फिगर्स, फिगर नंबर फर्स्ट एंड फिगर नंबर सेकेंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत मेहनत करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सबसे पहले ध्यान दीजिए, हाउ मेनी साइड्स आर देयर? हाउ मेनी साइड्स आर देयर? साइड्स विल बी इक्वल ऑफ थ्री, दैट मीन्स अ एंगल, द सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल्स विल बी इक्वल एन माइनस टू इंटू 180। क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट? एन माइनस टू इंटू 180। एन दैट मीन्स 3 माइनस 2 इंटू 180, 3 माइनस 2 विल बी इक्वल ऑफ 1, 1 इंटू 180 विल बी इक्वल ऑफ 180। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये पता चल गया कि इस पूरे का सम कितना होगा, 180 डिग्री। सर आप मुझसे महान हो, आप बोलोगे हम तो देख के ही बता सकते हैं कि ये कितना होगा 180, बट इन द केस ऑफ दिस टाइप ऑफ फिगर्स, अब बात समझ आई? तो इसमें भी मुझे सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे, हाउ मेनी साइड्स आर देयर? साइड्स विल बी इक्वल 1, 2, 3, 4 एंड 5। इंटरनल साइड्स, नॉट अ एक्सटर्नल, ओनली इंटरनल, 1, 2, 3, 4 एंड 5 साइड्स विल बी इक्वल ऑफ 5। सो सम ऑफ एंगल्स विल बी इक्वल एन माइनस 2 इंटू 180, 5 माइनस 2 इंटू 180, 5 माइनस 2 दैट मीन्स 3, 18 का टेबल आता है, ठीक है, किसी को नहीं बताना, नहीं भी आता हो तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 540 डिग्री। स्टूडेंट, वी गॉट द सम ऑफ एंगल विल बी इक्वल ऑफ 180 डिग्री, द सम ऑफ एंगल विल बी इक्वल ऑफ 540 डिग्री। चलिए एक एक को सॉल्व करते हैं। लेट वी कंसिडर एम, मान लीजिए इसको एन, ठीक है, कल मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द लीनियर पेयर, ठीक है, बाय यूज़ ऑफ लीनियर पेयर वर्ड लिख देता हूँ ताकि आप इस पर फोकस कर सके। लीनियर पेयर दैट मीन्स किसी भी स्ट्रेट लाइन पर जब पर्टिकुलर दो एंगल मिलते हैं, ठीक है, अब आप कुछ जगहों पर
बोलेंगे सर दो से ज़्यादा हो तो दो से ज़्यादा होंगे तो भी द सम ऑफ ऑल एंगल्स विल बी इक्वल ऑफ 180 डिग्री। बट स्टूडेंट मैं इसे लीनियर पेयर नहीं बोलूँगा। इन द केस ऑफ द लीनियर पेयर वी कंसिस्ट ओनली टू एंगल्स, याद रहेगा ठीक है। व्हाट इज द मीन ऑफ द लीनियर पेयर? लीनियर पेयर कंसिस्ट ओनली टू एंगल्स, दो से ज़्यादा एंगल होंगे तो भी 180 डिग्री होगा, बट उसका नाम लीनियर पेयर नहीं होगा। लीनियर पेयर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। सर इस वाले पॉइंट पे देखिए, चलिए हम ट्राइंगल का नाम भी बोल देते ए बी सी। आप ध्यान से देखिए, फोकस ऑन द ए 125 प्लस एम, दैट मीन्स 125 प्लस एम विल बी इक्वल ऑफ 180 डिग्री, सच दैट एम विल बी इक्वल 180 माइनस 125 कितना आ गया, एम इक्वल टू 55 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्लास 8 तक के स्टूडेंट बोलेंगे सर ये इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन कुछ नहीं सर, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाए तो आप उसको इस पूरी भीड़ में गुम ना हो जाए, इसलिए आप उसको नाम दे के छोड़ दीजिए, बस इतना समझिए। नाउ अनदर पॉइंट ऑन द पॉइंट बी, अगेन बाय यूज ऑफ लीनियर पेयर, बाय यूज ऑफ लीनियर पेयर, ठीक है, वी गेटिंग 125 प्लस एन, अगेन वाह 125 एंड 125 मतलब बिल्कुल सेम, 125 प्लस एन इक्वल टू 180, सो एन विल बी इक्वल ऑफ 180 माइनस 125 विल बी इक्वल ऑफ 55 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ठीक है, इस वाले को, ठीक है, इस वाले को क्या नाम दे देते हैं अपन, चलिए एम दे दिया, एन दे दिया, इसको पी दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, ध्यान से देखिए, बाय लीनियर पेयर, ठीक है, बाय लीनियर पेयर मैं क्या बोलूँगा, पी प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस एक्स, ठीक है। आप डरिए मत, बिल्कुल क्वेश्चन को देख के कभी डरना नहीं, ठीक है। अब सर मुझे अंदर वाले एंगल मिल चुके हैं, वी गेटिंग एम एंड एन पी, वैल्यू ऑफ एम, वैल्यू ऑफ एन एंड वैल्यू ऑफ पी। अभी हाल मैंने आपको पूरी मेहनत से बताया, द सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्राइंगल विल बी इक्वल ऑफ 180 डिग्री, तो कहीं ना कहीं एम प्लस एन प्लस पी इक्वल टू 180 डिग्री, सो एम दैट मीन्स आ 55, एन अगेन 55, पी P that means a 180 minus x equal to 180। क्लास 8 तक के अकॉर्डिंग धीरे धीरे प्लस माइनस करेंगे, धीरे धीरे, धीस प्लस धीस, 55 55 प्लस 55 इक्वल टू 110 डिग्री प्लस 180, पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव, नेगेटिव इधर जाएगा तो पॉजिटिव। स्टूडेंट द फंडामेंटल थ्योरी, जब प्लस ऑपोजिट जाता है तो माइनस, माइनस पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस प्लस, इनटू कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ डिवाइड एंड डिवाइड कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ इनटू, चार बात याद रखेंगे सर। सर 180 से 180 कैंसिल हुआ बिकॉज प्लस माइनस सेम, सो एक्स विल बी इक्वल ऑफ 110 डिग्री। सर हम चेक भी कर ले क्या, ठीक है, चेक करने के दो तरीके हैं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे दोनों तरीके। एक्स की वैल्यू आप कितनी निकाल चुके हैं, 110 डिग्री, ठीक है, तो 110 प्लस पी ये दोनों मिलकर कितना होना चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पर लीनियर पेयर बनना चाहिए, दैट मीन्स 180 डिग्री। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर जो मैं 110 को यहाँ पर पुट भी करूँ तो 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री, मतलब ये कितना हो गया 80, और ये कितना आया, हरी बात समझ में, 70 प्लस 110 इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कुछ नहीं करा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द लीनियर पेयर, एक पॉइंट पर दो एंगल दोनों का सम 180, एक पॉइंट पर दो एंगल दोनों का सम 180 डिग्री, एक पॉइंट पर दो एंगल दोनों का सम 180। हमने सारे इंटीरियर एंगल्स को निकाल लिया, इंटीरियर दैट मीन्स अंदर की तरफ वाले, एक्सटर्नल दैट मीन्स एक्सटीरियर या एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले एंगल, याद रहेगा सर, तीनों को निकाल लिया। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल ऑफ 180 डिग्री, मतलब मैं कितना लिख सकता हूँ, ठीक है, एम प्लस एन प्लस पी विल बी इक्वल ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। मुझे एक्स चाहिए, पता है ना, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो
क्या होता है यहाँ पर, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो ये तीन कांस्टेंट है, मैं इन सबको उधर ले जाता, ज़्यादा मेहनत होती, इसलिए सिंगल कांस्टेंट को मैं इधर ले आया, नेगेटिव कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस एक्स विल बी इक्वल ऑफ 110। स्टूडेंट अब हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, लेट वी कंसिडर, आप बिल्कुल डाउट ना हो इसलिए मैं नाम दे देता हूँ, ए नाम दे दिया, बी नाम दे दिया, सी डी एंड ई, ठीक है, याद रखना सर, मैथमेटिक्स बड़ा देख के डरना नहीं, छोटा देख के कुछ नहीं होना, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा कॉन्सेप्ट पे डिपेंड होता है, उसकी साइज पे नहीं। सबसे पहले द सम ऑफ द ऑल एंगल्स इन द पॉलीगोन, हाउ मेनी साइड्स आर देयर, 1, 2, 3, 4 and 5, दैट मीन्स एन विल बी इक्वल ऑफ 5 साइड्स, मतलब एन दैट मीन्स 5। कल मैंने आपको एक्सरसाइज में बताया था द सम ऑफ द एंगल्स विल बी इक्वल ऑफ एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, एन दैट मीन्स 5 माइनस 2 इंटू 180, 5 माइनस 2 मतलब 3, 3 इंटू दिस विल बी इक्वल ऑफ 540 डिग्री। सर अब आप क्या करेंगे, ठीक है, मैं हर एक जगह से धीरे धीरे, इतनी सारी स्पेस है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पर तीन बार मैंने लीनियर पेयर लगाया था, यहाँ पर कितनी बार लगूंगा, 5 बार, हाउ मेनी वर्टाइसेस, ठीक है, 5 वर्टाइसेस एंड हाउ मेनी एजेस आर देयर, कितने कोने हैं, 5 कोने हर एक कोने पे, ठीक है, एट अ पॉइंट ए, ठीक है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर, ठीक है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, दिस इज अ 70, इसका नाम दे देता हूँ मैं, इसको मैं क्या नाम दे दूँ, ठीक है, क्या नाम दे दूँ, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, याद रहेगा स्टूडेंट, ठीक है, ध्यान से देखिए, दिस प्लस दिस मतलब 70 प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री, देन ए विल बी इक्वल 180 माइनस 70, ए विल बी इक्वल 170, दैट मीन्स 10, याद रहेगा सर, 110 डिग्री। सेकेंड वन, ठीक है, एट अ पॉइंट बी, एट अ पॉइंट बी, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, एक्स प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स बी इक्वल टू 180 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है, और जगह है आपके पास, यहाँ पर आ जाइए सर, अब बोलेंगे यहाँ तो मुझे बाहर वाला एंगल दिख ही नहीं रहा है, मैं आपको एक बात बता दूँ, ठीक है, जब भी आप ज्योमेट्री में कहीं पे भी ऐसा स्क्वेयर बॉक्स देखेंगे, दिस इज अ सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर, व्हाट इज द मीन ऑफ द परपेंडिकुलर, जमीन पर एक खंभा बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर टू अर्थ विल बी इक्वल ऑफ 90 डिग्री, याद रहेगा, अब आप खंभे को इस तरफ से देखेंगे तो भी खड़ा और उस तरफ से देखेंगे तो भी खड़ा, दैट मीन्स अगर जो इधर परपेंडिकुलर है तो इधर भी परपेंडिकुलर होगा, तो मैं वहाँ पर कितना बना सकता हूँ, 90, तो आप बोलेंगे सर ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 होगा, तो आप चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और आप चाहे तो मेहनत करके भी निकाल सकते हैं। नाउ एट अ पॉइंट सी, स्मॉल सी प्लस 90 विल बी इक्वल ऑफ, कहाँ है, स्मॉल सी प्लस 90 विल बी इक्वल ऑफ 180 डिग्री, मैंने आपको अभी हाल बताया, आप मेहनत भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, खंबे के बोथ साइड परपेंडिकुलर, सो 90 एंड 90, सी विल बी इक्वल ऑफ 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री, अगर जो आप मेहनत करना चाहे तो आपको लिखना पड़ेगा बाय यूज़ ऑफ द लीनियर पेयर, और आप डायरेक्ट लिखेंगे तो बाय यूज़ ऑफ द परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी। नाउ फोर्थ, ठीक है, फोर्थ को देखते हैं, ठीक है, डी प्लस 60, डी प्लस 60, यहाँ पर एंड एंड लिखते चले, डी प्लस 60 विल बी इक्वल ऑफ 180 डिग्री, सच दैट डी विल बी इक्वल ऑफ 180 माइनस 60, डी विल बी इक्वल ऑफ 120 डिग्री, इक्वेशन नंबर फोर्थ। जल्दी नहीं करना सर, पेपर पूरा 3 घंटे का होगा। अब इस वाले पॉइंट पर आइए, ई पर, ठीक है, धीस प्लस धीस, ई प्लस 90 विल बी इक्वल ऑफ 180 डिग्री, सच दैट ई इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90, सर आपने जल्दी करी क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, वी गेटिंग द वैल्यूज ऑफ द इक्वे ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी एंड स्मॉल ई, नाउ बाय यूज ऑफ
बाय यूज ऑफ द सम ऑफ द ऑल एंगल्स इन एनी पॉलीनोमियल विल बी इक्वल ऑफ, ये क्या है पेंटागोनल, पेंटागोनल का कितना होता है 540 डिग्री. सो वी हैव टू सॉल्व ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 540 डिग्री. स्टूडेंट व्हाट इज द मीन ऑफ द ए, दैट मीन्स 110. बी बी दैट मीन्स 180 माइनस एक्स. सी दैट मीन्स 90. डी डी दैट मीन्स 120. ई अगेन 90 इक्वल टू 540. ठीक है, काफ़ी अच्छा मैथ्स होने वाला है, ध्यान से देखिएगा. 110 ऐसा ही है, 180 भी ऐसा ही है, तो आप कर क्या रहे हो 90 प्लस 90 180. 120 को हमने ऐसे रखा माइनस एक्स इक्वल टू 540. स्टूडेंट ठीक है, 180 प्लस 180 360, समझ रहे हो मेरी बात, प्लस 120 प्लस 110 जीरो जीरो, थोड़ा डिजाइन वाला जीरो बन गया. 6 प्लस 2 इक्वल टू 8, 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, 3 प्लस 1 4, 4 और 1 5, दैट मीन्स 590 माइनस x इक्वल टू 540. 590 पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, नेगेटिव कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव, सच दैट प्लस माइनस माइनस 590 माइनस 540 विल बी इक्वल ऑफ 50. स्टूडेंट x will be equal of 50, question in the form of degree, so answer will be in the form of degree. बात समझ आई सर? ये हमारा question number first का पूरा solution है. question number first, first part, in the case of the first part we use the property of triangle, in the second part we use the property of pentagonal. Student, now we taking the second question. Find the measure of the each exterior angle. What is the mean of the exterior angle? थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे. Let we consider any triangle. Let we consider any triangle. मान लीजिए कि इधर वाला एंगल मैंने बहुत मेहनत से प्राप्त कर लिया, मतलब कहीं ना कहीं मैंने इंटीरियर एंगल को प्राप्त कर लिया है, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए. याद रहेगा, मतलब मैं बोल सकता हूँ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, मान लीजिए y है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल ऑफ 180 बाय यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द लीनियर पेयर. तो आप गलत तो नहीं बोलेंगे, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल ऑफ 180 डिग्री. बस आपको इतना याद होना चाहिए, बाकी तो मैं पूरा क्वेश्चन समझा ही दूंगा. फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगोन विच कंसिस्ट द 9 साइड. जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, हियर सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट. ठीक है, गिवन दैट, क्या दिया हुआ यहाँ पर बोलिए स्टूडेंट, गिवन दैट साइड्स साइड्स विल बी इक्वल ऑफ 9, सच दैट साइड को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ स्टूडेंट, मैं n से रिप्रेजेंट करता हूँ. सो सो सम ऑफ एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन. देखो स्टूडेंट मैंने कितनी अच्छी चीटिंग करी, ठीक है, कैसे चीटिंग करी मैंने, क्वेश्चन में लिखा है रेगुलर पॉलीगॉन, तो मैंने लिख दिया रेगुलर पॉलीगॉन. मुझे 9 साइड वाले का नाम याद नहीं है, मान लीजिए जैसे नैनो गोनल होता है, आपको याद नहीं है तो कोई प्रेशर मत लीजिए, रेगुलर पॉलीगॉन बोला है तो आप यहाँ पर रेगुलर पॉलीगॉन लिख दीजिए. आ गई बात समझ में? सर फॉर्मूला क्या होता है जरा ये बताएंगे मुझे. फॉर्मूला विल बी इक्वल ऑफ एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री. एन माइनस टू दैट मीन्स 9 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री. 9 माइनस 2 विल बी इक्वल ऑफ 7. 7 इंटू 180. 7 इंटू 0 0. पक्का? ठीक है, पक्का बताएं. 7 8 जा 56 विल बी इक्वल ऑफ 5. ठीक है, याद है 7 का टेबल, याद है या 8 का टेबल तो याद हो गई थी. चलिए आगे चलते हैं सर. 7 1 जा 7, 7 और 5 विल बी इक्वल ऑफ 12. दैट मीन्स अ टोटल एंगल विल बी इक्वल ऑफ 1260 डिग्री. सर पूरा क्वेश्चन मत समझिए, बस आप इतना समझ आया है क्या सोचिए. गिवन दैट द नंबर ऑफ साइड विल बी इक्वल ऑफ 9, द नंबर ऑफ साइड विल बी इक्वल ऑफ 9, सच दैट
एन इक्वल टू 9, द सम ऑफ एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगोन विल बी इक्वल ऑफ एन माइनस 2 इंटू 180, एन विल बी इक्वल ऑफ 9 सच दैट 9 माइनस 2 इंटू 180 7, 7 इंटू 180 विल बी इक्वल ऑफ 1260। स्टूडेंट इसके बाद की कहानी बताइए। सर हमने ये बात बता दी कि जो भी पर्टिकुलर शेप है, जो भी पर्टिकुलर शेप है 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर थोड़ा और 8 और ये थोड़ा सा 9, हाउ मेनी साइड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर द सम ऑफ द ऑल एंगल्स, द सम ऑफ ऑल एंगल्स विल बी इक्वल ऑफ 1260, दैट मीन्स ईच एंगल वी हैव टू कैलकुलेट ईच एंगल, ठीक है ईच एंगल। अब यहाँ पर भी मैं आपको फॉर्मूला, ठीक है फॉर्मूले कितने याद करेंगे बचपन में, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मान लीजिए कि आपके घर में टोटल 6 रोटी है और नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 3, तो हर एक पर्सन को कितनी मिलेगी, तो आप बोलेंगे सर 2, तो मैं पूछूंगा हाउ यू कैलकुलेट, तो आप बोलेंगे 6 / 3 = 2। करेक्ट, जब भी किसी में इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ द डिवीजन, डिवीजन दैट मीन्स अ डिवाइड, मतलब डिस्ट्रीब्यूट इन द इक्वल अमाउंट, तो सर टोटल एंगल डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स, याद रहेगा ठीक है। और आपको अगर जो ये याद नहीं आता तो कोई बात नहीं, टोटल एंगल कितना है सर 1260 और यहाँ पर कितनी साइड है 9, तो मैंने उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर कितना आ रहा है सर जल्दी से बताइए, 1260 / 9, 9 1 = 9, 3 आया, 9 का टेबल बहुत अच्छे से आता है, 9 4 = 36, ये 0 बचा, ठीक है 0 कहाँ पर होगा, नीचे होगा नहीं, अगर जो नीचे लिख दिया तो आपको भी 0 ही आएगा, सो वी गेटिंग द 140 degree। सर मान लीजिए शेप में अंदर वाले का एंगल कितना बन चुका है, मान लीजिए अंदर वाले का एंगल आ चुका है 140 degree, बट हमें क्या कैलकुलेट करना, वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सटीरियर एंगल। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, स्टेप नंबर 3 मैंने यहाँ पे लिखा है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल ऑफ 180 degree, एंड कितना आ गया इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल ऑफ 140 प्लस एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू 180 degree, पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ नेगेटिव, देन वी गेटिंग द एक्सटर्नल एंगल विल बी इक्वल ऑफ 40 degree। स्टूडेंट वन मोर टाइम, ठीक है सबसे पहले मैंने क्या करा, नंबर ऑफ साइड्स विल बी इक्वल ऑफ 9, फॉर्मूला विल बी इक्वलेंट 9 n - 2 × 180 degree, 9 - 2 × 180 degree, 7 × 180 विल बी इक्वल ऑफ दीज, ठीक है मुझे ये बताना है टोटल कितना है 1260 degree, दैट मीन्स ईच एंगल, ईच जब भी आपको कहीं पर भी मैथमेटिक्स में ईच वर्ड मिले दैट मीन्स यू हैव टू डिवाइड, ठीक है आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया डिस्ट्रीब्यूट करा, देन वी गेटिंग द 140 degree। सर अंदर वाला एंगल 140 है, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द लीनियर पेयर, बाय प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर, अगर जो आपसे कोई पूछे घर पे तो आप बता सकते हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल ऑफ 180 degree, देन वी पुट द वैल्यू ऑफ 140 प्लस दिस विल बी इक्वल ऑफ 180, सो दिस विल बी इक्वल ऑफ 180 माइनस 140 इक्वल टू 40 degree। स्टूडेंट नाउ वी टेकिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वेयर द साइड्स विल बी इक्वल ऑफ 15 cm, अगेन आई रिपीट फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाला एंगल हमको निकालना है, पर सर उसके लिए हमको पहले अंदर वाला एंगल दैट मीन्स इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना होगा। चलिए पूरी कहानी फिर से करते हैं, ठीक है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द साइड्स विल बी इक्वल ऑफ 15, दैट मीन्स एन इक्वल टू 15, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है 15 - 2 × 180 degree, 15 - 2 दैट मीन्स 13 × 180। सर यहाँ पर 13 × 180 लिखा हुआ है, क्या आपको 18 का टेबल आता है क्या, 18 × 13 विल बी इक्वल ऑफ 2 3 4, कितना अच्छा डिजिट है 2 देन 3 देन 4,
एंड फाइनली 0 डिग्री। मतलब कहीं ना कहीं द सम ऑफ द ऑल एंगल्स इन रेगुलर पॉलीगॉन विल बी इक्वल ऑफ 2340। अब ईच एंगल्स, व्हाट इज द मीन ऑफ द ईच, दैट मीन्स अ सेपरेटली डिवाइड बिटवीन द 15 एंगल्स। हाउ मेनी एंगल्स? 15। सो वी डिवाइड बाय द 15। 15 से जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे, 15 वन जा 15, आप डिवाइड कर लीजिएगा, सर मैं लिख रहा हूँ 156 डिग्री। धीरे धीरे पढ़ा पढ़ा के सब याद हो जाता है। 156 डिग्री। सर ईच एंगल दैट मीन्स द इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल ऑफ 156 डिग्री। सो 156 प्लस एक्सटीरियर एंगल, मैं उसको कुछ नाम दे देता हूँ, चलिए नाम क्या दूँ सर, ठीक है वैसा का वैसा लिख दिया, विल बी इक्वल ऑफ 180 डिग्री। सच दैट एक्सटीरियर एंगल will be equal of 180 minus 156 plus minus minus 60 plus 4। ध्यान से देखिए, ये 60 मतलब 20 और ये 24, that means we getting the 24 as a answer। I hope student you getting the proper solution of the question number first and question number second of the exercise number 3.2। I am Asim Kumar Mandal as a mathematics teacher। Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajchoda।